तस्दीक करता है, उसी कदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम छा रहा है। मैं अपनी जमात की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए कुफार को, पूरी दुनिया के कुफार को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान बेगजाद साजिद और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पहले की तरह ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे और अल्लाह पाक आपको खुश हो आबाद रखे। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। अच्छा जी, तो अभी जा रहा हूँ जी मीरपुर, एक कोई जरूरी काम है तो उधर जा रहा हूँ मीरपुर। सिस्टर का पेपर है जी, उन्हें छोड़ना है उधर, तो फिर हो सकता है वापस आ जाऊँ, लेकिन आज जुम्मा भी है, देखते हैं क्या कुछ सीन बनता है जी। तो टाइम हो गया जी काफ़ी, तो निकलते हैं फिर। चलिए, तो अभी सफ़र हमारा शुरू हो गया है जी। अच्छा जी, तो अभी जो ज़रूरी काम था वो मैंने कर लिया, तो से फ्री हो गया हूँ। तो अभी टाइम जो है ना वो 1:15 हो गया है, तो इधर से अभी गाड़ी भगाने का कोई मकसद नहीं है, वापस मैं घर जाऊँ, इधर ही कोई मस्जिद ढूंढता हूँ, तो जिधर टाइम बराबर आता है तो जुम्मा मैं पढ़ लूँ इधर। तो फिर भूख भी बड़ी लगी हुई है, सुबह का शीत रही हूँ, कुछ भी नहीं खाया पिया, तो बाद में देखते हैं क्या कुछ बनता है। पहले जुम्मे के लिए कोई मुनासिब जो है ना टाइम देख लूँ, तो जिधर काम बराबर आता है। अच्छा जी, तो ये मस्जिद मुझे इधर नज़र आई है जी, ये तो इधर कोई जुमा हो चुका है जी, तो फिर कोई और ढूंढते हैं जी ये वाली मस्जिद। अच्छा जी, तो काफ़ी ढूंढने के बाद एक मस्जिद मुझे मिल गई है जिसमें 1:45 जुमा होने वाला है। अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट में है, तो मैं वो भी मस्जिद ढूंढ लूँ इधर आगे पीछे ये कहीं से। मुझे दूर से मीनार नज़र आया, तो एक बंदे से पूछा उसने क्या जी 1:45 है, तो अभी वही उसमें जा रहा तो जुम्मा वगैरह भी मैंने पढ़ लिया है जी। तो हुआ ये है कुछ के मैं गया था जी 2:45 के हिसाब से, तो जुम्मा उधर हुआ जी 2:30। तो खैर जुम्मा वगैरह पढ़ लिया मैंने, अभी भूख काफ़ी लगी हुई है जी, तो वही कुछ देखते हैं खाने पीने के लिए। तो मैं इस वक्त करूँ जी के ऑपोजिट साइड पे, तो इधर एक रैली कोई आ रही है जी, कोई पता नहीं ये क्या सीन है। अच्छा, जो स्वीडन में जो है ना कलंपा की बरामदी हुई है जी, उसके वजह से इन्होंने रैली निकाली हुई है। तो खैर चलते हैं जी, खाते पीते हैं, तो बाकी सीन आपको दिखाती हूँ साथ साथ। तो ये अभी रोड ब्लॉक हो गया जी, ये किसी साइड पे लगेंगे तो फिर मैं निकल सकूंगा इधर से। तो बहुत ज़्यादा तादाद में है जी ये लोग। रोड अभी पूरी तरह से ब्लॉक है जी, ये अभी किसी साइड पे लगेंगे तो मैं इधर से निकल सकूंगा।
मेरा भी गुंजाइश नहीं है, फुल रोड ब्लॉक है, एक एम्बुलेंस भी साथ फंसी हुई है। ये चेक करें जी, ये कुछ सीन है। तो काफ़ी टाइम जो है ना मेरा इधर लगने वाला जी, अभी बिल्कुल भी इधर मौका नहीं मिलना मुझे निकलने का। तो बिल्कुल जो है ना सेंटर में जाके इन्होंने चौक शहीदा में जो है रोडें ब्लॉक कर देनी है। तो खैर देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी, तो इन्होंने आगे जाकर ना चौक फुल ब्लॉक कर देनी जी। मुझे ये एक रोड मिल रही है इधर से, मेरा ख्याल है कि मैं नीचे हो जाऊँ, इन्होंने आगे मौका बिल्कुल भी नहीं देना। तो इधर से नीचे हो जाता हूँ, फिर आगे जा कर ना कुछ खा पी लूँ। कितनी देर में हो सकता है ये होली दे रोड, तो जितनी देर में खा पी लूँ, और कोई याद नहीं है यार, भूख काफ़ी लगी हुई। मेरे पास एक यही वाला ऑप्शन है जी, कोयटा दवाई कैफे वाला, क्योंकि बाकी ऊपर तो सब कुछ ब्लॉक हो गया, तो इधर ही कुछ खाते पीते हैं। अच्छा जी, एक कर देना ऑमलेट कर दे, दो लच्छे पराठे और एक गुड़ वाला चाय। अच्छा जी, तो अभी ऑर्डर वगैरह मैंने दे दी है, तो पठानू का ऑर्डर है, देखते हैं कैसा टेस्ट वगैरह इनका, तो खा कर फिर आपको मैं बताता हूँ। तो ये खाना मेरा आ गया जी, तो करते हैं ट्राई। टेस्ट वाकई बड़ा ज़बरदस्त है जी, तो बिल भी जो है ना मुनासिब लिया, 200 रुपया लिया ने। तो अभी चलते हैं जी ऊपर, देखते हैं क्या कुछ सीन है, रोड वगैरह खुली है या नहीं, तो देखते हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ सीन है, ये दो साइड्स जो है ना ओपन है और एक बंद है, तो ये दो रोड जो है ना अभी भी बिल्कुल बंद है, तो देखते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये। तो ये कुछ सीन है जी इधर, तो वैसे मेरे ख्याल में इधर कोई इत्तेजाज करने का मकसद नहीं बनता, ये तो हम भी मानते हैं जी, उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं था करना चाहिए, लेकिन इधर इत्तेजाज करने का कोई मकसद नहीं बनता जी। तो खैर हम निकलते हैं जी वापसी की तरफ। वो एक चेक करें जी, एक और रैली आ गई है, ये वाली मदरसे के बच्चे हैं जो, ये भी काफ़ी तादाद में हैं जी। तो अभी ये ऊपर जाने वाली दोनों रोड बंद हैं जी, तो मैं भी एक और कोई रास्ता ढूंढ दूँ, उधर से जाऊंगा फिर ऊपर घर की तरफ। ये चेक करें जी बाबा जी केएफसी वाले, इन दिनों मीरपुर में छाए हुए हैं जी बाबा जी केएफसी वाले, बड़ा रश है जी इस वक्त भी, अभी दिन के जो है तकरीबन 3 हुए हैं, तो अभी भी काफ़ी रश है इनके पास। तो अभी निकल रहा हूँ जी मैं अभी शहर मीरपुर से, शहर मीरपुर को अल्लाह हाफिज़। तो पहले 3-4 दिन से जी पूरे पाकिस्तान में बिजली आ ही नहीं थी रही जी, तो
बिल्कुल जो है ना तंग आए हुए थे, तो अभी ये चेक करें पेट्रोल शॉर्ट हो गया है, बिल्कुल जो है ना मिल ही नहीं रहा पेट्रोल। तो ये हालात हो गया जी पाकिस्तान के, सारा जो है ना तकरीबन दिन पूरा मीरपुर में गुजर गया जी। दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सुबह जो लेट उठा तो सीधा उधर ही चला गया, तो अभी तकरीबन असर होने वाली है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।